ओके, तो सिंगलटन सेट क्या हो जाएगा, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, तो वो उसको अपन कैसा क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नल सेट, और या फिर क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्योंकि इवन प्राइम नंबर ओनली टू ही होता है बेटा। यस सर, इवन प्राइम नंबर एक ही पॉसिबल है, वो है अपना टू, है ना। इवन प्राइम नंबर भी कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ रहा है भाई, एक ही आ रहा है। ओके, क्लियर है ये? डन सर। ओके, पढ़े आगे बेटा? यस सर। फाइनाइट सेट की बात कर लेते हैं भाई। फाइनाइट सेट की बात कर लेते हैं, a set which has only finite number of, a set which has only finite number of elements, ये कैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो रहे हो, फाइनाइट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल द वोवल्स, सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, है ना, जिसमें अपने को पता हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4 अप टू इनफिनिट तक चले जाएंगे, उसमें अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो जाएंगे वो अपना कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? ओके, यस सर। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर है वाली बात? यस सर, यस सर, यस सर। उसके बाद फाइनाइट सेट के बाद लिखो ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट जिसको अपन इन जनरल n ऑफ a बोल देते हैं ना, n ऑफ a बोल देते हैं, या फिर o ऑफ a बोल देते हैं। तो इसमें लिखे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट is known as order of set, है ना। कहने का मतलब number of element जो होता है वो क्या होता है, order of set होता है। clear है वाली बात बेटा? अरे आया क्या समझ में आता है? yes sir, yes sir। for example कोई भी set लिखा हुआ है तुम्हारे पास, तो order of set कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट तो बताने, टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए इनफाइनाइट सेट A set having infinite number of elements. For example, set A लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, और उसके बाद ऐसे डैश डैश किया हुआ है, तो वो तो कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे के सारे कैसे सेट हैं, इनफाइनाइट सेट्स। ये रहे वाली बात बेटा? यस सर। ओके, यस सर, बढ़े आगे? यस सर।
एक्चुअली. उसके बाद अपन देखते हैं इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स equal sets. तो इसमें लिखिए two sets A and B, two sets A and B are equal sets if if दो set अपने पास A and B, both are equal sets if each element of set A each element of set A is an element of set B. A का each and every element जो किसमें होना चाहिए वो क्या होना चाहिए set B का भी एक क्या होना चाहिए element होना चाहिए भी. Each element of set A is an element of set B and each element of set B and each element of set B is an element of set A, है ना? A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए A में होने चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो दोनों सेट जब क्या होंगे इक्वल होंगे सारे पहली बात उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने चाहिए और सारे एलिमेंट जो वो एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए कॉमन होने चाहिए और किसी में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए. तो वो सेट कैसे हो जाएंगे इक्वल सेट्स हो जाएंगे. क्लियर है मेरी बात? यस सर. And can be written as A equals to B. ऐसा भी लिखा जा सकता है ना. जैसे for example, set A दे दिया 1 6 7 2 और set B दे दिया तुम्हारे पास 6 2 7 1. तो यहाँ पे ये दोनों set कैसे हैं? बराबर है क्योंकि set में order matter नहीं करेगा. Set का मतलब क्या होता है collection. तो इस कलेक्शन के पास क्या है 1 2 6 7. इस वाले कलेक्शन के पास क्या है 1 2 6 7. तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे? ये दोनों कलेक्शन कैसे हैं? बिल्कुल सेम है. क्लियर है वाली बात? यस सर. ओके यस सर. तो इसमें सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करती है. जो ऑर्डर जो लिखा होता है एलिमेंट्स का वो मैटर नहीं करता. ठीक है ना. हो गया ये? यस सर. यस सर. यस सर. बेटा ये किसका माइक है? इसको दीपांशु. ये अंधेरे की फोटो किसकी लगी हुई है? सर दीपांशु का माइक ऑन है. ओके. उसके बाद हेडिंग डालिए इक्विवेलेंट सेट. Equivalent sets. Equivalent sets. Two sets A and B are equivalent. Two sets A and B are equivalent sets. If the number of elements are same, दो सेट जो है वो क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे दो सेट्स को अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं ना. A and B are equivalent sets if number of element is A is equals to the number of element in B. That clear? मतलब दोनों का order same होना चाहिए. Okay? And also finite भी तो होना चाहिए. Clear है वाली बात? Yes sir. Sir अगर दोनों set infinite हो तो तब ये दोनों equivalent set नहीं होंगे? नहीं 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 तो नहीं होगा बेटा क्योंकि इनफाइनाइट कितना होता है कितने एलिमेंट है पहले सेट नॉट डिफाइंड. वो तो पता नहीं ना सर.
वो पता नहीं है, जब पता ही नहीं है कि टपल फाइल में कितना है, तो फिर इक्वल और नहीं इक्वल का तो बात ही नहीं है। सर एग्जांपल देना है इसका सर। किसका? इक्विवेलेंट का। ए बी सी और बी दे रखा तुम्हारे पास डी ई पी है ना, या 1 2 3 लिख लो। मैं तो दीपांशु लिखने वाला था, 1 2 3 लिख लो है ना। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने है 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने है 3, ए एंड बी बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये वाली बात? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सबसेट्स, सबसेट टाइप पी ना सर ये। हाँ टाइप पी ना इसका, ये सेट का क्या हो गया बेटा? टाइप है ना सर ये सेट का। अरे नहीं भाई, तो लिखिए सबसेट में लिखिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट A and B are two sets if every element of A, if every element of A is a proper subset, या ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं रुकिए एक बार, क्या लिखा आपने? If A and let A and B are two sets if every element of A is a proper subset. If every element of set A is an element of set B, is an element of set B. वापस बोलना। If A and B are two sets and every element of set A is an element of set B. B A का each and every element जो है वो क्या हो रहा है? B का एक element हो रहा है. Clear है वाली बात? Yes, sir. Then A is a subset of set B, है ना? फिर से चेक कर लीजिए, every element of set A is an element of set B, then A is a subset of set B. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. And can be written as A is a subset or equals to set B. ये किसका सिंबल है? Subset or equals to, है ना? और ये on ये सिंबल किसका है? Only सबसेट का ही है ना? डन सर। डन सर। यस सर। फॉर एग्जांपल ए लिखा है अपने पास 1 2 3 और बी लिखा हुआ अपने पास 1 2 3 4 5, दैट मींस यहाँ पे ए जो है वो क्या हो रहा है? इज अ सबसेट ऑफ
क्लियर है वाली बात। बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है किसमें मिल रहा है अपने को, सेट बी में मिल रहा है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। कहने का मतलब सबसेट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी सेट का एक पार्ट होता है। क्लियर है वाली बात। यस सर। यस सर। उस कलेक्शन का एक पार्ट है ना, वो हो जाता है सबसेट। क्लियर है वाली बात। यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तो इसमें लिखिए, इफ ए इज अ subset of B, if A is a subset of B, subset of B, and A not equals to B, A और B क्या नहीं है, equal नहीं है, then A is a proper subset of B, then A is a proper subset of B, A is a proper subset of B, and we write A is a proper subset of B, है ना। अगर equality नहीं है That means वो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। Is that clear? Yes, sir. Okay. Done, sir. इसी में दो तीन पॉइंट लिखे अच्छे अच्छे Every set is a subset of itself. कोई भी जो सेट होगा, जैसे इस ए की बात करें, ए की बात करें, तो ये जो सेट ए है ये खुद का ही क्या होगा, एक सबसेट होगा। ये रहने वाली बात। Yes, sir. So second point लिखे, null set is a subset of every set। जो null set होता है वो भी क्या होगा, each and every set का एक subset होगा ना। So next point, the total number of subsets the total number of subsets of a set having n elements is equals to 2 to the power n. So done. जैसे कि अगर अपन बात करें, अपने पास में कोई भी सेट दे रखा है, अपने पास मान लो कि सेट ए दे रखा है अपने पास 1 2 3, तो इसके सबसेट लिखने जा रहा हूं मैं, एक तो अकेला 1,
अकेला टू, अकेला थ्री, फिर उसके बाद वन टू, टू थ्री, वन थ्री, थ्री वन, वन टू थ्री, फाइव, जैसे कि अपने पास हो गया फाइव, या तो ये लिख दो और क्या लिख दो, फाइव लिख दो। तो टोटल सबसेट कितने हुए यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने है भाई, तीन है, तीन। तो इसका मतलब सबसेट कितने हो जाएंगे, टू की पावर थ्री। सबसेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, टू टू द पावर थ्री, दैट इज इक्वल्स टू एट। याद आया सबको समझ में अच्छे से? यस सर, यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया सर। हो गया नोट डाउन? यस सर। चलिए तो ये जितनी भी डेफिनेशंस है ये सारी की सारी अच्छे से रीड करोगे, क्लियर है वाली बात, और बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से रहे। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके।